वेलकम बैक टू माय न्यू वर व्लॉग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। और आज का व्लॉग हम सुबह से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा लेट हो गया है, थोड़ा सा नहीं पर बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया है। और अभी किचन में तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है और मम्मी और रोहित वो भी कहीं बाहर गए हैं, तो अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी मेरे को भी एक काम है, तो मैं जा रहा हूँ बाहर, आऊँगा 10 बजे, फिर 10 बजे या 11:30 बजे आऊँगा काम फिनिश करके, तो तब मिलेंगे, क्या चल रहा है सब कुछ दिखाएंगे। और भाई कल तो फिर से मॉनसून बैठ गया था, आज से फिर से बहुत ब्यूटीफुल सनलाइट निकल के आई है, वेदर भी काफ़ी सारा अच्छा है, लेकिन ये दोनों कभी मॉनसून कभी समर जैसा लग रहा है, तो थोड़ी सी हालत भी मेरी थोड़ी ख़राब हुई होगी। तो अभी मिलते 11:30 बजे। ऐसे में हमारे भाई इधर पेपर पढ़ रहे, तो पूछते हैं क्या सब कुछ है पेपर में। तो रोहित भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, क्या सब कुछ है आज का? भूकंप आया था ना सभी जगह, पाकिस्तान से 9 देश में भूकंप आया। ऐसा है, कहाँ पे कुछ जानहानि हुई है कि नहीं? जानहानि तो नहीं हुई है, पहले टावर गिरा ना, देखो पहले ऐसे थे सब टावर। कितने थे मेरे ख्याल से? 6-7 तो सभी गिरा गए, अभी तो नहीं है। अभी तो एक कोई नहीं बचा ना। तो ट्रेन में से भी दिखता था टावर, ट्रेन में सब मुसाफर बैठे हुए थे, तो उसको पता चल जाता था टावर देख के सूरत आ गया। अभी तो मालूम नहीं पड़ेगा कब सूरत आके चला जाएगा। भाई सब कुछ ऐसा चल रहा है। और भूकंप का क्या है कि पीछे ही पड़ गया है, जब तुर्की से आया है तब से पीछे पड़ गया है, तो भूकंप बारी बारी आ रहा है, लेकिन अच्छा है कोई जानहानि नहीं हो रही है। और बस अभी आज का प्लान क्या है? आज का प्लान तो अभी एक काम है, बाहर जाने का है मिनी बाजार, वो काम निपटा पे बाद में घर पे आके बताते हैं बाद में। हाँ तो बस एक काम है वो बाहर जाके निपटा के फिर आते हैं, फिर बताते हैं। मिलेंगे अभी टेरेस पे, और पीछे जो गाँव आए उसकी सफाई चल रही है, इसलिए नीचे कोई नहीं था। 2 बार आके चला गया लेकिन फिर भी मिले नहीं, फिर पता चला कि ऊपर ही होंगे। तो इधर हमारी टेरेस पे गाँव की सफाई का काम स्टार्ट हो गया, पंखा रख दिया है और इस वाली पेटी में हम गाँव भरेंगे, और ये वाले सारे गाँव सफाई हो गए अभी। और मम्मी को मिल लेते हैं। गुड इवनिंग मम्मी, ये 2 बार ऊपर आके देखा तो आप इधर थे ही नहीं, सब नीचे कोई था ही नहीं। ऐसा है, तो इस वाली प्लास्टिक में हम गाँव डालेंगे। और गुड इवनिंग जय श्री कृष्णा, क्या है? दोपहर का खाने का क्या है सब कुछ? अभी पहले यह काम करने का है, पापा नहीं है इसलिए। ऐसा है, तो अभी पापा नहीं है ना इसलिए क्या है कि कभी भी खाना बनेगा, पापा होते हैं तो 12 या 1 बजे तो बन ही जाता है, 1 बजे हम खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो ऊपर तो सब कुछ ऐसा चल रहा है, तो अभी मिलेंगे दोपहर के लंच में क्या बनाते हैं। खिचड़ी का बोल रहे हैं, फिर भी कुछ फाइनल नहीं होता, कभी कभी प्लान चेंज भी हो जाता है, तो बस ऐसा ही है। तो मिलेंगे दोपहर के लंच में। लंच बनने का हो गया है स्टार्ट, तो देख लेते हैं लंच में क्या बन रहा है। खिचड़ी तो बोला था, फिर भी देखते हैं। तो इधर क्या बन रहा है? एक कुकर बना दी है खिचड़ी। तो इधर हमारे लोग देख रहे हैं, कल इन लोगों ने नहीं देखा होगा, तो वो देखते हैं
और काफी कल वो जो लकी ग्लास चैलेंज वाली थी ना, उसमें हमारी बहन की कमेंट आई थी कि पापा क्यों नहीं खेल रहे। तो पापा इसलिए नहीं खेल रहे थे कि वो हम चार थे, वो चार खेल रहे थे तो वीडियो कौन शूट करेगा, तो इसलिए खेल रहे थे। और पानीपुरी में मम्मी और पापा को क्यों नहीं लिया, तो पानीपुरी चैलेंज में क्या होता है, जल्दी जल्दी खाने का होता है, तो पापा या मम्मी जल्दी जल्दी खाते तो उसके गले में एक साथ घाय घाय में खाते तो खरेश आ जाती, इसलिए उसको हमने चैलेंज में नहीं लिया था। और इधर हमारा भाई क्या लेने जा रहा है भाई, छाछ, तो दोपहर की छाछ लेने जा रहे हैं। और आज पूरा दिन गेहूं साफ करने का है, कुछ और करने का है, मम्मी ऊपर है। तो हमारे घर में भी आज पूरे दिन ऐसा लग रहा है कि समर आ गया, तो सभी के घर में भी कौ बनने का स्टार्ट हो गया होगा, तो पूरे दिन यही चलेगा। और किस किस लोगों के घर पे चल रहा है कमेंट में बताओ। तो बस ऐसा ही है सब कुछ। अभी कितना टाइम लगेगा खिचड़ी बनने में, दस पंद्रह मिनट के बाद हम लोग बैठेंगे खाने के लिए, उसके बाद कर ऐसा है, दोपहर के बाद देखते हैं कुछ प्रोग्राम करते हैं या नहीं करते, टाइम मिलेगा तो करेंगे, क्योंकि कम कौ सफाई करना है तो टाइम नहीं मिलेगा, और इन लोगों को थोड़ा सा थकान भी लगेगा, तो देखते हैं प्लान होता है कि नहीं होता है। बस के चार मिनट हो गए और आगे ऊपर हम लोग लंच करने के लिए देखते हैं। तो लंच में खिचड़ी बनी थी और सलाद पहले खाएंगे, और खिचड़ी मम्मी ने और सोनल ने खाने का स्टार्ट कर दिया है, दही खा भी लिया है इसने तो देखो और आम का रस, क्या काम है आपको गाँव साफ करने का है, लेकिन बादल जैसा हुआ है, बारिश आई गया ऐसा लग रहा है। और ऊपर देख लो समर की द्राक्ष मम्मी लेके आ गए है, क्या भाव चल रहा है द्राक्ष का, 50 की किलो। तो अभी बारिश ना आए तो अच्छा है, क्योंकि हमारे गाँव सफाई का काम चल रहा है, तो जब अच्छी तरह से हो जाए तो अच्छा है। लंच करके मम्मी चले गए ऊपर, तो देखते हैं मम्मी ऊपर किस तरह से गाँव की सफाई कर रहे हैं। और बारिश आने का भी ऐसा लग रहा है, कल शाम को मैं पापा को छोड़ने गया था स्टेशन, तो ये ठंड जैसा लग रहा था, क्योंकि दोपहर को बारिश गिरी थी, अभी भी बादल जैसा हो गया है। और इधर हमारा गाँव सफाई होने का स्टार्ट हो गया, मम्मी कर रहे हैं गाँव सफाई, और एक फैन से बस इस तरह से सिर्फ सफाई करना है, और डिश में लेके काकरा बाकरा अलग नहीं करने का है। तो भी पहले की तरह से गाँव अच्छे आने लगे, पहले तो पहले ऐसे गाँव आते थे उसमें मिट्टी का सब काकरे बाकरे और सब आता था, अभी तो अच्छी तरह से गाँव आ गए, बहुत अच्छा सा गाँव आ गया है। तो अभी मम्मी धीरे धीरे सभी गाँव सफाई करके उसमें डालेंगे ये वाला पाउडर, दिखाऊँ तो पाउडर कौन सा वाला था, ये वाला पाउडर डाल के फिर इसको हम पेटी में भर लेंगे ना, तो बस ऐसा ही है। तो अभी हम लोग जाएंगे ऑफिस आने के लिए, आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि मम्मी ने टेरिस पे काफ़ी सारे फूल ऐसे सब अभी अभी डाले है, कल डाले थे, और इसका एक हफ्ता हो गया है, और इधर भी थोड़े छोटे छोटे फूल लगाए हुए हैं, ये अच्छी तरह से आ गए, अभी ये गुलाब नहीं आए, और इसमें भी काफ़ी सारा लगाया हुआ है। और अभी गाँव की सफाई इस तरह से हो रही है, देख लो चल रहा है गाँव सफाई का काम, और पीछे बादल देख लो पूरा ब्लैक ब्लैक होने लगा है, और इधर मम्मी गाँव साफ कर रहे हैं पीछे इस साइड, तो बारिश ना आए तो अच्छा है। और हम लोगों को अभी जाना पड़ेगा ऑफिस, बारिश आते हैं उस पहले पहुंच जाते हैं, और मिलते दोपहर के बाद 5 बजे ऑफिस से आके फिर कंटिन्यू करें। 5:45 हो गए और घर पर पहुँच गए है, तो अभी देखते हैं क्या प्रोग्राम है शाम का। तो इधर हमारा क्या बन रहा है, पहल खाने जा रही है, रोंडे का नाश्ता होगा पहल, तो पहल में बालाजी का मुमरा और सिंह लेके आ गए है हमारे भाई, और इसके मम्मी को पूछते कहूँ पूरा साफ हो गया कि बाकी अभी सब साफ हो गए, ऐसा है, बारिश नहीं आई तो काम हो गया हमारा, गाँव पूरा सफाई हो गया। और अभी रोहित भाई से पूछते हैं आगे का क्या प्लान कर रहे हैं, उसने कुछ गेम सोच के रखी है, क्या है रोहित भाई आपके मुंह पे सनलाइट बहुत बढ़िया रही है, क्या है, बस बढ़िया है। तो क्या गेम खेलना है, कुछ डिसाइड किया कभी करने का है, डिसाइड तो किया है, वो कुछ कब रखे गए और वो कुछ रखे गए फिर स्पिन जैसा देखते आगे, तो कुछ गेम सोच रहे अच्छा लगेगा वो खेलेंगे, दो तीन गेम हमारे माइंड में है,
कौन सी खेलते हैं, तो पहले हम कर लेंगे दोपहर का नाश्ता, फिर गेम कंटिन्यू करेंगे। पेल हो गई रेडी, तो पहले हम खा लेते हैं। बहुत बढ़िया तरह से पेल हो गई है रेडी और सोनल ने बनाई है, तो अभी हम लोग खा लेते हैं पहले पेल, उसके बाद क्या गेम खेलते हैं वो डिसाइड करके। आपको खेलने का है मम्मी के? नहीं। क्यों? खेल सिखा के। हाँ, तो मम्मी भी खेलेंगे, देखेंगे कौन, मैं एक, हम में से एक लोग नहीं खेले क्योंकि शूट के लिए किसी को वीडियो लेने के लिए रहना पड़ेगा, इसलिए। पेल हो गए रेडी, उसमें डाल दिए दाड़म के दाने और सब लोग अभी खाने के लिए बैठ गए है। तीन लोगों होके पूरी काथरोट खाने की है, फिर बाद में जो चैलेंज वाली गेम है वो कंटिन्यू करेंगे। पूरी जो बची थी वो ले ली है और उसमें पेल भर के रोहित भाई दही डाल के खाएंगे, पेल पूरी खाएंगे। कैसी, अच्छी लग रही है? तो मैं भी ट्राई करता हूँ। ऐसा है, सोनल भी ऐसे ही ट्राई कर रही है, तो मैं भी ट्राई करता हूँ कैसी। लोगों ने पहल खा ली है और इधर गेम की तैयारी हो रही है, तो रोहित भाई हमको रूल्स बताएंगे कि क्या रूल्स है गेम के। तो रोहित भाई बता दीजिए कौन सी गेम का नाम क्या है और रूल्स क्या है। लकी स्पिनर चैलेंज गेम है। लकी स्पिनर चैलेंज गेम स्पिन करने का, इस तरह से स्पिन करने का है। जहाँ कप में आएगी उस कप में कुछ अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, किसी में 500 रुपया है, किसी में चॉकलेट है, किसी में मिर्ची है, ऐसा कुछ है। खाली ग्लास आएगा तो उसको लॉट लगाया जाएगा। ओके। और जिसको 500 रुपया आएगा उसको 500 रुपया मिलेगा, जिसको जिसमें जो निकलेगा उसको वो मिलेगा। तो अभी हम तीन राउंड आएंगे इसमें और हम चारों खेलने वाले है, तो पहले ये तीन खेलेंगे, उसके बाद रोहित शूट करेगा और मैं खेलूंगा। तो अभी बारी बारी से खेलेंगे, एक साथ नहीं खेलेंगे, तो अभी देखते हैं क्या निकलता है इसमें सबको और कौन जीतता है और किसको क्या निकलता है वो सब। थ्री स्टार्ट रोहित की बारी है, अभी वो घुमा रहा है तो उसने ग्लास गिरा दिया है, कोई बात नहीं, ये आया है, अभी देखते हैं इसमें क्या निकलता है। चलो उठाओ, क्या है इसमें, देखो खाली है, तो इसको लॉट लगाओ, चलो जल्दी से। तो रोहित को पहली बार में लॉट मारी सोनल की, अभी देखते हैं वो घुमा रही है उसको क्या निकल रहा है। चलो ये दूसरा वाला कप है, उसको तो चॉकलेट हर बार निकलती है। मैं भी स्पिन कर रहा हूँ, देखते हैं क्या निकलता है। वो स्पिन करने का स्टार्ट कर रहा हूँ। ओह माय गॉड, मिर्ची बैट चालू हो रहा है और रोहित भाई की बारी है, उसने स्पिन करने का स्टार्ट कर रहे, क्या निकलता है देखते हैं। ओ रुपया निकला इसको भाई, 2 रुपया है। तीसरे राउंड में सोनल आ गई है, वो भी स्पिन करने का स्टार्ट कर रही है, देखते हैं उसको क्या निकलता है। चलो स्टार्ट करो, चलो खोलो मिर्ची, चलो खा लो, खाने का है। सर हो गए और संदीप भाई की बारी है, वो भी वो घुमा रहे, देखते हैं क्या आता है उसको। ओ खाली लॉट लगाया जाएगा संदीप भाई को। हाँ खाली, क्या आया, एक रुपये का सिक्का निकला। चलो अभी सोनल की बारी है, तीन ग्लास बसे और सोनल की बारी है, तो देखते हैं क्या आता है। कुछ नहीं आया, देख क्या है, द्राक्ष निकले, अंगूर, समर में अंगूर खाओ। अभी मेरी बारी है, 2 ग्लास बसे, अभी देखते हैं क्या है। और संदीप भाई की बारी है, 1 ग्लास खाली है मेरे ख्याल से और 1 में 500 रुपया है, देखते हैं संदीप भाई 500 रुपया जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। खोल, खाली है, कोई नहीं जीता। तो भाई इस चैलेंज में तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ सभी को कुछ ना कुछ मिला, 2 बार मेरे को खाली आया और 500 की नोट थी, वो किसी को भी आया ही नहीं, तो ऐसा हुआ। तो अभी हम इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। आपको ये वीडियो में सबसे ज्यादा क्या ऐसा लगा वो कमेंट करो, लाइक करके शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले करो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब बढ़ना चाहिए। जैसे ही सब्सक्राइब बढ़ जाएंगे तो इससे हम नए नए गेम लाएंगे। और अभी इस वीडियो को इधर ही एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू लॉग के साथ, जब तक न्यू वीडियो नहीं आता है तब तक ये वीडियो एंजॉय करो, बाय।